आज सबको घर पे मीठा खाने का मन था, तो सोचा कि घर में क्या बनाऊँ। तो मैंने देखा तो मेरे पास गुलाब जामुन का इंस्टेंट प्रीमिक्स था, तो सोचा कि चलो यही बना लेते हैं। चलो तो कुछ मीठा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, और चाशनी के लिए मैंने 3 कप चीनी ली है। उसके सामने हमें 2.5 यानी कि 2.5 कप पानी लेना है। पानी थोड़ा कम लेना है ताकि हमारी चाशनी जल्दी से बन जाए। और अभी गैस चालू करके हम इसको 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे। याद रखें कि फ्लेम को हाई रखना है, और हाई फ्लेम पे हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी को बनते बनते ऑलमोस्ट 12 मिनट लग जाएंगे, और मैं एक तार वाली चाशनी नहीं बना रही हूँ। सिर्फ चीनी पानी में घुल जाए उतना ही मुझे चाशनी चाहिए, ताकि घर पे ज़्यादा चाशनी वाले पसंद नहीं है, इसीलिए चाशनी पतला बना रही हूँ। अभी हम गुलाब जामुन की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए मैंने 1.5 कप प्रीमिक्स लिया है, और दूध से हम आटा गूंदेंगे। तो दूध मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और धीरे धीरे दूध ऐड करके हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ध्यान रखें कि दूध एक साथ नहीं मिक्स करना है, धीरे धीरे करेंगे और आटा गूंदते जाएंगे। आप देख सकते हो, आपको पहले लगेगा कि ये आटा तो एकदम सॉफ्ट हो गया है, पर जो रेडीमेड प्रीमिक्स आता है उसके अंदर मिल्क पाउडर होता है, तो वो धीरे धीरे मिल्क को सोक कर लेगा और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ आटा बन जाएगा। देखिए, मैंने एक छोटा सा गोला भी बना लिया है। आप देख सकते हो कि उसके अंदर एक भी क्रैक नहीं है, तो हमें ऐसे ही सॉफ्ट वाला आटा गूंदना है। और अभी आप जितनी साइज़ के चाहो उतने आप बॉल बना लीजिए। मैंने ना बड़ा ना छोटा, ऐसे वाले मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। बहुत लोग गुलाब जामुन को ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं, पर हमारे घर में घी के अंदर फ्राई करते हैं, तो मैं आज घी में बना रही हूँ। तो घी को आप थोड़ा सा ले लीजिए, और एक डीप वाली कढ़ाई लीजिए ताकि घी ज़्यादा वेस्ट ना हो। एक बार घी गर्म हो जाए फिर हम लो फ्लेम कर लेंगे, और धीरे धीरे करके एक एक गुलाब जामुन हम ऐड करेंगे। ध्यान रखें कि ज़्यादा हमें जामुन ऐड नहीं करने हैं, वरना वो अच्छे से पकेंगे नहीं। और आप देख सकते हो कि मैं कढ़ाई को थोड़ा थोड़ा मूव कर रही हूँ, ताकि ये सारे गुलाब जामुन चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। क्योंकि हम स्पून यूज़ करेंगे तो कभी कभी गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट रहते हैं कि कोई गुलाब जामुन टूट जाता है। तो ये एक अच्छा ट्रिक है कि हम सिर्फ कढ़ाई को मूवमेंट करें, ना ही गुलाब जामुन को। अभी गुलाब जामुन कई लोगों को ज़्यादा ब्राउन पसंद है, कई लोगों को लाइट पसंद है, तो आप अपने हिसाब से उसको फ्राई कर लीजिए। मैंने थोड़े डार्क गुलाब जामुन किए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डार्क पसंद है और मुझे थोड़े लाइट वाले गुलाब जामुन पसंद है, तो मैंने थोड़े वैसे किए हैं। और सारे गुलाब जामुन को अभी हम चाशनी में ऐड कर लेंगे, और 1 से 2 घंटे तक हमें उसको रेस्ट देना है, ताकि वो अच्छे से चाशनी पी लें और हमारे गुलाब जामुन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 घंटे हो चुके हैं और गुलाब जामुन खाने के लिए रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कुकिंग, एंजॉय, बाय बाय।